कोई नाराज़गी नहीं है। देखो, हम तो यहाँ पे सारी उम्र भर जो है 20 साल जो हो गए हैं मेरे को और श्रुति को, चौधरी बंसीलाल जी का जो है अधूरा काम जो था वो संभाले बैठे हैं, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का जो रास्ता दिखाया हुआ है उसी रास्ते के ऊपर चले हैं 20 साल से, ईमानदारी के साथ चले हैं, कोई एक लांछन नहीं है, अपने इलाके के लोगों का नाक नीचे नहीं होने दिया हमने, तो लोगों को लोगों का प्यार समर्थन इतना ज़बरदस्त जो है हमारे साथ है कि ये परिवार की तरह है, तो नेचुरली परिवार में जब ऐसा एकदम झटका लगता है तो मायूसी तो आती है, और इसलिए जो है कार्यकर्ता सारे मायूस हैं और यही एक कारण है कि दुखी हैं। तो भैया अब उसका तो कोई इलाज नहीं है ना, अब क्या करें, अब जो कई षड्यंत्र इस तरह से होते हैं कि यूँ सोचा जाता है कि ख़त्म ही कर दो इनको, बहुत सारे ऐसे षड्यंत्रकारी लोग हैं जिनका नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है लेकिन सब जानते हैं, तो वो अपने षड्यंत्र के अंदर जो हैं सफल हुए, और हम तो जो है एक बात जानते हैं अच्छी तरह से कि ये चौधरी बंसीलाल जी का जो नाम है और जो उनके काम हैं उनका एक विचारधारा है जो लोगों के अंदर है, और आज से नहीं पिछले 40 साल से जो है 50 साल जो है वो है, तो भिवानी के लोग जो हैं उस विचारधारा के साथ सुरेंद्र सिंह जी की, चौधरी बंसीलाल जी की, और उसके बाद मैंने काम करा, श्रुति ने बहुत काम करा, 2009 के अंदर जब जीत के आई थी श्रुति ने बहुत बड़े बड़े काम करे थे, मेडिकल कॉलेज जो आज जो यहाँ बन रहा है वो श्रुति की देन है, NCR जो है वो श्रुति की देन है, पानी और इसका सीवर का जो काम करा था करोड़ों रुपए का वो श्रुति की देन है, 1000 करोड़ रुपए के उस समय का जो काम जो है वो श्रुति की देन है सारी, तो श्रुति ने बहुत काम करे हैं, वो जो कचरा प्रबंधन का जो प्लांट लगाया आपका वो श्रुति की देन है, चौधरी बंसीलाल जी की यूनिवर्सिटी जो है वो श्रुति की देन है, तो 5 साल के कार्यकाल में श्रुति ने बहुत काम करा, और वही अपने पदचिन्हों पर जो अपने दादा के और पापा के अपने पिता के जो है पदचिन्ह है उस पर चलकर उसने करा, और मैं जो है मेरे को तो सब जानते ही हैं यहाँ पर जो है जैसे तैसे भी है, बहुत समस्याएं मेरे सामने आई, बहुत सारी मुश्किलों का मुझे सामना करना पड़ा, क्योंकि सब लोग ये चाहते हैं कि भाई आगे ना बढ़े ये इलाका, ना आगे बढ़ पाए, तो बहुत सारे जो है रोड़े अटकाए गए, षड्यंत्र करे गए, लेकिन जो है प्रभु की हमेशा से कृपा रही है, लोगों का बहुत असीम प्यार रहा है जिसके कारण आज भी खड़े हैं और लड़ाई लड़ने में हम सक्षम हैं, इसलिए कि लोग हमारे साथ हैं, तो ये जो मायूसी आई है ये नेचुरल है, और वो मायूसी जो है दूर करेंगे लोगों की, पार्टी का जो भी है वो सिर माथे पर फैसला जो भी है,
क्या करें, अब जो सामने है उसके ऊपर मेरे से क्या टिप्पणी करवाओगे। सच्चाई तो सबके सामने है, जो है वो तो है। देखो ये चौधरी बंसीलाल जी एक बहुत बड़ा पेड़ था जिसने पूरा हरियाणा को सींचा और बगैर क्षेत्रवाद करे करा, तो इसलिए आज उनको जो है लोहा पुरुष, विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। कोई उनके ऊपर कोई लांछन नहीं था, वही रीति जो है आगे चौधरी सुरेंद्र सिंह जी, मैंने और श्रुति ने करा है। तो ये पेड़, ये लोग, कई लोगों के भ्रम था कि ये जो है, ये जो मोटा वृक्ष है इसकी जड़ों को जो है इसके अंदर तेल देकर जो है इसको ख़त्म करेंगे, तो पर यही वृक्ष में से जो है बहुत छोटे छोटे पौधे, मैंने पहले भी कहा है, पौधे बहुत सारे निकले हैं जो आज अपने आप को वृक्ष मानते हैं। तो ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, और यहाँ तो हमने तो बहुत उतार और चढ़ाव जो हैं देखे हैं, और ये ज़िंदगी में आते रहते हैं, और जब भी उतार चढ़ाव आते हैं तो भगवान जब ये भेजता है तो वो और आदमी को मजबूत करने के लिए भेजता है। तो भाई इलाके की जहाँ तक आवाज़ की बात है, कार्यकर्ताओं के लिए आवाज़ की बात है, और क्या कहते हैं जो लोगों की जो मन की बात है, उसकी लड़ाई मैं हमेशा लड़ती आई हूँ, ईमानदारी के साथ मैंने लड़ी है, और कभी भी मैंने जो है अपना जो है किसी के साथ सामने समझौता नहीं करा है जब सच्चाई की लड़ाई लड़ी हो। तो इसलिए मुझे तो किसी बात की फिक्र नहीं है। अब लोग जो है उन्हें संभालना है और हम उन्हें संभालेंगे, ऐसी बात नहीं है, और सब ठीक होगा। आप रावदान सिंह के, अब मैं MLA हूँ तो शाम की अब टिकट उनको मिली है, तो जो है अब पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं हम, तो उसके नाते जो है उनका दोनों जगह कैरू में और तो शाम में आपने देखा, हमने तो दफ्तर खुलवाया, और लोगों का जो हजूम है वो अपने आप आपको बता देगा कि लोगों के अंदर जो है कितना वो है। यानी कोई मनमुटाव अब नहीं रहेगा दान सिंह और किरण चौधरी के समर्थकों में? हाँ, हमने पार्टी का काम करना है भैया, पार्टी का काम हम करेंगे। देखो ये तो सब लोगों के ऊपर निर्भर करता है, और अभी 15 दिन के बाद सारा पता चल ही जाएगा। अब क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला उसके बारे में तो मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि अब तो मैं तो अपने इलाके तक सीमित हूँ।